कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, डिपेंडिंग उनकी नेचर क्या है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव जो भी है। जो भी फोर्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तभी मैंने क्या लगाया, मॉड। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि दो अट्रैक्ट करेंगे, दो चार्जेस रिपेल करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल वैसे ही ग्रेविटेशन में M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर इन्हें कंबाइन करें तो ये फॉर्मूला आएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जाएगा तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुन लो। किसी ने कहा सर ठीक है मुझे बात समझ में आ गई है, मैंने कहा क्या समझ, कहते मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने एक सिलेंडर लिया, आपने एक स्फेयर लिया, एक पे Q1 चार्ज है, एक पे Q2 चार्ज है, इनके बीच में फोर्सेस 1/4πε0 Q1 Q2 r2। बिल्कुल गलत। तो फिर ये क्या है इंपॉर्टेंट, ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस ही हैं। ग्रेविटेशन का लॉ भी पॉइंट चार्जेस या स्फेयर के लिए चलता था, बाकी बॉडीज में नहीं चलता था। प्लस टू में भी ये जो फोर्स का फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। आप अगर सिलेंडर रॉड लेके आओगे, कोई और बॉडी लेके आओगे, आपको कहे सर लगाओ फॉर्मूला, मैं नहीं लगा पाऊंगा, नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, दो महीने चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार दिन ये चलेगा, बाकी दो महीने पॉइंट चार्ज नहीं चलेगा। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं कि अगर फिगर्स चेंज होंगी और हमें फोर्स निकालनी होगी तो क्या करना है, वो आने वाले टाइम में यही पढ़ने हमने, एक महीना अभी आज और इस हफ्ते सिर्फ पॉइंट चार्ज। प्लस टू स्टार्ट पॉइंट चार्ज से होती है, अगले हफ्ते बॉडीज चेंज होती हैं, तो पहले पॉइंट चार्ज पे लगाना सीखेंगे। तो ये फोर्स है। अब कुछ इसमें कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जो ना पूरे यूनिवर्स में चलते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी, 6.6×10^-11। भाई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो जूपिटर पर जाकर लगा लोगे तो भी सेम वैल्यू है, पानी में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, वो नहीं चेंज होएगा। पर कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो कि ना चेंज होते हैं, जैसे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई म्यू तो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में, लेकिन पानी का डिफरेंट है, एयर का डिफरेंट है। एयर का मान लो 1 है, पानी का मान लो 1.7, ग्लास का डिफरेंट है, पर ग्लास के लिए तो सेम है। तो ये वो लोकल कांस्टेंट है, बड़ा कांस्टेंट नहीं है। ऐसा ही है, ये कांस्टेंट कहीं मीडियम जब चेंज होगा, आपने दो चार्जेस को कहाँ रखा उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि ये कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। मतलब आप दो चार्जेस लें सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, आप दो चार्जेस को वाटर में रखें, वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, ऑयल में रखें, ग्लास में रखें, आप देखेंगे ना आपने Q1 चेंज किया, ना आपने Q2 चेंज किया, ना आपने आर चेंज किया, फिर भी फोर्स चेंज हो गई। तो यानी कि ऑब्वियसली क्या चीज चेंज हुई, कॉन्स्टेंट जो किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे। कि मीडियम क्या है, क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब मीडियम तो कई हो सकते हैं, जैसे वैक्यूम एक मीडियम है, जैसे वाटर एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, ऐसी कुछ भी जनरलाइज मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमारी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, वो ज़्यादातर वैक्यूम पे चलते हैं, क्योंकि डिफरेंट मीडियम, तो 3600 मीडियम है, और मैं इतनी वैल्यू कॉन्स्टेंट थोड़ा याद करके आऊँगा, मैं एक याद कर सकता हूँ, तो मैं एक याद करूँगा, और किसकी याद करूँगा, वैक्यूम। जैसे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 है, चलो जी याद हो गया 1 है, बाकी मीडियम का तो न्यूमेरिकल में गिवन ही होता है 1.3, 1.5 जो भी होगा, तो वैक्यूम का हम याद कर लेते हैं। तो वैक्यूम के लिए SI सिस्टम में हम काम करते हैं, SI सिस्टम में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1/4πε0, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, EPSILON सिंबल, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये सिंबल के नाम है, अल्फा, बीटा, गामा सिंबल है, ऐसे ये सिंबल का नाम है, प्रोनाउंस करते हैं इसे एप्सिलॉन। नॉट का मतलब जहां भी लगा होगा इस चैप्टर में, मतलब मीडियम क्या है, वैक्यूम, नॉट मीन्स वैक्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 1/4πε0 Q1 Q2 r2। वैक्यूम के लिए
इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये याद करनी है। आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है मैंने याद कर लिया, और आपने अगर मुझे न्यूमेरिकल दिया कि चलो जी वैक्यूम मीडियम है और दो चार्जेस हैं, वन कूलम वन कूलम, आर की वैल्यू भी वन मान लो मीटर दे दी, और एप्सिलॉन मैंने याद कर लिया, 4 पाई मुझे पता था, और सॉल्व करके मैंने फोर्स निकाल दी, सही है। पर अगर कल को मीडियम चेंज हो गया तो, अगर मान लो वाटर हो गया, फिर वाटर में फोर्स की वैल्यू पता है क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन वाटर, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है ये भी चेंज हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन वाटर की वैल्यू मेरे को तो याद नहीं, तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल देने वाले को बतानी पड़ेगी तो फोर्स निकाल पाऊंगा, नहीं तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं सिर्फ वैक्यूम निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं एक वैल्यू याद कर सकता हूं, मैं 100 मीडियम याद नहीं कर सकता। पर हाँ अगर मुझे गिवन होगी मैं आंसर निकाल दूंगा। ऐसे ही कल को कोई मीडियम देगा जी ऑयल है, फिर ऑयल का एप्सिलॉन उसको देना पड़ेगा तो ही निकाल पाऊंगा। ऐसे एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी मीडियम का, एप्सिलॉन एम। तो ये फॉर्मूला याद करना है, क्लियर है यहां तक? वैक्यूम की तो ये वैल्यू याद करेंगे, बातें खत्म। अब मैंने आपको कहा कि 100 न्यूमेरिकल करेंगे, 100 के 100 मान लो 99 न्यूमेरिकल तो कम से कम वैक्यूम पे आते हैं, और मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा जिसमें आप सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और फिर 1 के नीचे करके डिवाइड भी करेंगे। कैसे करेंगे यार, ये तो बहुत बड़ा है, और 99 टाइम्स करेंगे। आपके लिए बुक्स वालों ने क्या किया, कहते इसको याद ही कर लो, 1/4 पाई 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 को जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में, इसकी वैल्यू याद करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, बात ही खत्म, सॉल्व करना ही नहीं, पूरी कॉन्स्टेंट इज 9 इंटू 10 की पावर 9, रिमेंबर ही कर लेंगे, बात ही खत्म। तो जैसे कल को अगर न्यूमेरिकल आया कि अगर दो चार्जेस गिवन है कूलम में, 1 1 कूलम, आर की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, और कोई ये पूछे फोर्स निकाल लो वैक्यूम में, तो फॉर्मूले में पूरे इसको रिप्लेस करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, तो सीधा आंसर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, बात खत्म। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे, इसका मतलब ये है, तो कैलकुलेशन में फंसेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि आना तो वैक्यूम ही है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 तो वैसे ही याद हो गया आपको। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है जी मेरे को तो मान लो मेरे पेपर में वाटर आ गया, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा, जो भी एप्सिलॉन वाटर दोगे पुट करके मैं कितना याद करूंगा, तो वैक्यूम की तो याद कर लूंगा, फिर क्वेश्चन तब की तब देखेंगे जब मीडियम चेंज होगा। पर वैक्यूम के लिए क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो कूलम लॉ के अंदर ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जैसे प्लस वन में सिंबल का नाम क्या था, म्यू, लेकिन मतलब था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। सिग्निफिकेंस क्या था, हम कहते थे कि अगर किसी का म्यू ज़्यादा है तो उसे फ्रिक्शन ज़्यादा है, अगर म्यू कम है तो फ्रिक्शन कम है, ये सिग्निफिकेंस था। तो म्यू की वैल्यू कुछ बताती थी। सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, सिंबल का नाम है म्यू, म्यू की जगह एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, मतलब है इसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसी एप्सिलॉन डब्ल्यू का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, ऐसी एप्सिलॉन एम का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम की, इतना बड़ा नाम है इसका, मतलब वो अच्छा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा सा नाम है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आता, बट नाम तो नाम ही है, परमिटिविटी, शॉर्ट में परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, बस बहुत है, ठीक। सिग्निफिकेंस, किसी भी मीडियम का अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी उस मीडियम की ज़्यादा है तो फोर्स उसमें कम है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ज़्यादा है तो डेंसर है, कम है तो रेयरर है, सिग्निफिकेंस है। इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर मीडियम की ज़्यादा है तो उस मीडियम में फोर्सेस कम आएंगी, और अगर परमिटिविटी कम है तो उसमें फोर्सेस स्ट्रांग लगेंगी, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर रेयर बता देता है, परमिटिविटी की वैल्यू हमें बताती है कि फोर्स ज़्यादा या कम लगेगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये इसका नाम है, ये याद करना है। इसके अंदर ऐसा भी हो जाता है कि मान लो वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मीडियम की तो बात ही नहीं कर रही, मीडियम पे क्वेश्चन कम आते हैं, वैक्यूम पे आते हैं। ऐसे सिस्टम में तो मैंने आपको बता दिया
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है। सीजीएस सिस्टम में मान लो न्यूमेरिकल आ गया, तो याद करेंगे सीजीएस सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूले में इस कांस्टेंट की वैल्यू वन होती है। क्या बढ़िया है सीजीएस, तो वन याद नहीं करना कुछ, वन। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, चार्ज कूलम में नहीं होता, सीजीएस में स्टैट कूलम चार्ज यूज करते हैं, स्टैट कूलम एंड सेंटीमीटर्स। तो रिलेशन याद करेंगे, वन कूलम इज 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो फिर ये प्रॉब्लम है, तो अगर स्टैट कूलम में चार्जेस गिवन है तो कॉन्स्टेंट वन पुट कर देंगे, अगर कूलम में गिवन है तो 9×10⁹ ही यूज करेंगे। वो देखना पड़ेगा चार्जेस कूलम में है या स्टैट कूलम में, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये याद करना है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट, लिखने को नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आप ये ना सोचें कि वो हमने लिखवाया नहीं था तो फिर पता है क्या हुआ, पता नहीं पेपर में नंबर आएंगे, कुछ नहीं आएगा इसमें से। ठीक, मैं आपको हमेशा प्लस वन के अंदर बताता आया हूँ, ये लिखने वाली चीज़ें नहीं, समझने वाली चीज़ें हैं। लिखने वाला अभी लिखवाऊंगा रजिस्टर में आपको क्या लिखना है, और सीधा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल ही आएगा, आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कूलम लॉ ही आएगी। कूलम लॉ कौन पूछता है? आपको लगता है प्लस टू के बच्चे ये पूछेगा राइट कूलम लॉ? कोई नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ कूलम लॉ आएगी, अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसके अंदर वैक्यूम में अगर चार्जेस पड़े हुए हैं तो वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1Q2r² क्लोज। और अगर कोई भी मीडियम है, अब मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, ऑयल है, वाटर, या इन जनरल बस एम लगा दो, मीडियम है, दुनिया भर का कोई मीडियम हो वो वैक्यूम ना हो, तो कोई भी अगर मीडियम है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε m Q1 Q2 r², तो फोर्स दोनों में क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। दोनों इक्वेशंस क्लियर है? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं, तो मैंने डिवाइड कर लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, डिवाइड करके Q1 Q2 गया, r² से r² भी गया, 4π से 4π भी गया, क्या बचा? एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर क्लियर है यहां तक? ये बच गया। इसकी रेशियो को एप्सिलॉन r बोलते हैं। आपको कहोगे पहले यही नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, आप नहीं यूज आर लाइक एप्सिलॉन r रेशियो, इसकी रेशियो को एप्सिलॉन r बोलते हैं। एप्सिलॉन r का मतलब है रिलेटिव, क्योंकि दो चीजें क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इसका नाम है। अगर हम डिवाइड नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, तो टर्म एब्सोल्यूट बोलते हैं, और दो टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो उसको रिलेटिव बोलते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पर एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये ना नाम बहुत बड़ा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सोचो क्लास में आऊंगा, आप पूछोगे सर न्यूमेरिकल में ना एक वैल्यू मिसिंग है, मैंने कहा क्या? तो आपने बोला सर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, बहुत बड़ा है, नाम छोटा करते हैं, इसका छोटा नाम है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो आज के बाद आप सीधा पूछेंगे सर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, थोड़ा स्मूथ नाम है, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसका नाम किसी के मतलब साइंटिस्ट के मन में आया, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखेंगे, क्यों भाई? कोई वो जन्मपत्री देखते हैं उसकी, देखें डाइलेक्ट्रिक डी से नाम निकला है, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कोई लॉजिक है। एक घंटे का लेक्चर है, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स खास किस्म के मटीरियल्स हैं, वहाँ से ये नाम आया है, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वहाँ से आया है। पर क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा सकता ना, पहले मैं वो पूरी हिस्ट्री सुनाऊँ आपको, नाम कहाँ से आया था। तो जैसे जैसे आगे कोर्स बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का पूरा लेक्चर आपको बताएगा इसका नाम ऐसा क्यों है और इसका नाम ऐसा रखा क्यों गया। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अभी नाम याद करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर के लिए एप्सिलॉन आर या इसका सिंबल के लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में, कोई फर्क नहीं है, आप एप्सिलॉन आर लिख लें या के लिख लें, सेम है। ठीक, तो कई ऑथर्स अब बुक्स जब परचेज करते हैं, कई बुक एप्सिलॉन आर ही लिखती हैं, कई के लिख देते हैं, और सबसे बड़ी बात कई बुक्स तो ये भी करती हैं, कई बुक्स क्या करेंगी, इसी को के लिख देती हैं। अब यहाँ ना बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, सर ने कहा था कि ये तो एप्सिलॉन आर के होता है, वो कॉन्स्टेंट को के लिख देती हैं। मैं पूरी असाइनमेंट में के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को लिखूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए ये कौन सा दुनिया भर के कॉन्स्टेंट है। तो मैं इसको तो पूरा ही लिखूंगा आज के बाद, 1/4πε0।
पर मैं एप्सिलॉन आर की जगह के यूज करता रहूंगा, विच इज नोन एज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतना, मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स कर क्यों रहे हैं, ये फोर्स ले लो, ये फोर्स ले लो, डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगी, फिर इसका नाम रख दो, क्यों भाई? इतना जिंदगी ठीक तो चल रही थी, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले एक चीज़ याद रखो, मेटल या कंडक्टर के लिए डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है? जब हम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का एक लेक्चर स्टडी करेंगे, उसमें मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कंडक्टर का इन्फिनिटी क्यों होता है, ठीक, पूरा लेक्चर है। अभी के लिए बस ये फैक्ट है। अब इसका फायदा बताता हूँ कि हमने किया क्यों। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर था, रेशियो अगर आप ध्यान से देखें एफ नॉट बाई एफ एम की रेशियो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की जगह के भी लिख सकते हैं, तो के की रेशियो क्या आई, एफ नॉट बाय एफ एम। तो चेक करो, के की रेशियो एफ नॉट बाय एफ एम, तो ये टर्म आ गई। अब मान लो मैंने आपको अब बताना है कि ये ना, ये हमने किया क्यों। इमेजिन करो आपको मैंने किसी न्यूमेरिकल में दो चार्जेस दिए, वन और थ्री कूलम, और मैंने उनके बीच में डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया, और आपसे ये पूछा कि बताओ इनमें क्या फोर्स होगी दो चार्जेस की, जब चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, इन वैक्यूम। तो आपने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था वैक्यूम का, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r2, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ × 1 × 3/2² आंसर आ गया, डन, क्लोज हो गया। लेकिन मान लो न्यूमेरिकल आ गया, चार्जेस यही हैं 1 और 3, डिस्टेंस भी यही है, लेकिन मैंने उनको किस में डाल दिया, इन वाटर, मैंने मीडियम चेंज कर दिया, और वाटर का क्या दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 है। अब आपको आज की डेट में एक फॉर्मूला आता है, के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। अब मीडियम कौन है यहां पर, वाटर, तो के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम की डेफिनेशन यूज करें। अब मुझे पता है कि फोर्स वैक्यूम में तो मुझे निकालनी आती है, सारी वैल्यू मुझे याद है, वैक्यूम में तो मैंने निकाल ली, मुझे वाटर में निकालनी है। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का मुझे पता है, वैक्यूम की फोर्स मुझे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाटर की फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की हेल्प से आप किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू एक मिनट में निकाल लेंगे, क्योंकि आपको वैक्यूम के साथ कंपैरिजन आता है। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। कल को कोई मीडियम देगा तो उसका ना डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देगा, तो आप सिंपली ये आपको निकालना आता है, वैक्यूम में आपको काम करना आता है, के आपको देगा, मीडियम में फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। डायमेंशनल फॉर्मूला और एप्सिलॉन नॉट बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में, चाहे वो बोर्ड का, चाहे वो नीट का, चाहे वो मेंस का, कम से कम नहीं तो कॉम्पिटिशन में 10-12 बार तो आया हुआ है। तो कैसे निकलेगा फोर्स का फॉर्म, ये तो भूल ही जाए, इसको याद कौन करेगा, मैं तो इतने साल में कर नहीं पाया। आप ये फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, फोर्स एक तरफ, तो आप 4 पाई का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला है नहीं, आर का एल स्क्वायर है, फोर्स का MLT-2 है, चार्ज क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, इसकी जगह 80, इसकी जगह भी 80, सिंप्लीफाई करके आंसर। तो मतलब आप याद ना करें, जब आपके पेपर में आएगा ये लिखें, ये स्टेप करें, और वही कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप याद नहीं कर सकते इसमें, क्लियर है। अब आपने करना क्या है, फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें, तो फॉर्मूला रजिस्टर में पहला फॉर्मूला, पहली हेडिंग डालें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला रजिस्टर में पहली हेडिंग लिखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें एक फॉर्मूला लिखें क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, बस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका, डेफिनेशन आप अपने बुकलेट में से करें, ये सब मैंने लिखा उसमें करें, पर मैथमेटिकली ये पता होना चाहिए, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसके बाद लिखें कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में वैक्यूम का ये फॉर्मूला लिखें, लिखें कूलम लॉ, मीडियम वैक्यूम, कूलम लॉ की हेडिंग, व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, ये फॉर्मूला लिखें, ये फॉर्मूला लिखें, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r2। और ये फॉर्मूला किस चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का फॉर्मूला है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेडिंग भी डालें, कल को एक चैप्टर का ही टेस्ट होगा, कम से कम चैप्टर के फॉर्मूला तो मिक्स ना करना, क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर भी और फॉर्मूला भी होने चाहिए, ताकि एकदम बस उस टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ तो टॉपिक को रिवाइज करें, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके कैटेगरी में कूलम लॉ का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखें, याद हो जाएगी अभी आपको, 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक, इसकी वैल्यू नोट कर लें, वैसे याद हो ही की होगी, 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 की पावर 9, 1/4 pi epsilon naught की सीधी वैल्यू नोट करें, 9 into 10 की पावर 9, ठीक है। फिर ये रेशियो नोट करें, हाँ, फॉर वैक्यूम सीजीएस में कांस्टेंट की वैल्यू 1, फॉर वैक्यूम CGS व्हेन मीडियम इज वैक्यूम CGS में कांस्टेंट की वैल्यू इज 1, ठीक। ठीक है यहां तक। उसके बाद 1 कूलम 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, 1 कूलम इज 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है। आता नेक्स्ट है, ये रेशियो नोट करें, एप्सिलॉन एम बाय ऐसे लिख लें, ये ऐसे लिखें, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों जरूरी इसलिए हैं, काफ़ी बुक्स ये भी यूज़ करती हैं रेशियो में, काफ़ी बुक्स ये भी यूज़ करती हैं, आपको जो मर्जी आ जाए समझ में आना चाहिए, रेशियो ऐसे रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला काम का है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो पता होने चाहिए फॉर्मूलाज, क्लियर है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला जो अभी तक हमने किया उसमें ये सबसे काम की चीज़ है, ये फॉर्मूला मैंने बताया, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के वाला, तो यहाँ तक हमने किया, डन, ठीक।